नमस्कार मित्रों, ई एस्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2020 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में लोगों में उत्सुकता बनी हुई। आज हम अंक ज्योतिष के अनुसार आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2020। आप उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि वर्ष 2020 में आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में क्या क्या हलचल होंगे, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी नौकरी या व्यापार में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। यह भविष्यफल अंक ज्योतिष पर आधारित है और यह आपकी राशि पर आधारित राशिफल नहीं है। आप अपनी जन्मतिथि के आधार पर ही अपना वार्षिक भविष्यफल जान सकते हैं, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि आपका मूलांक क्या है। मूलांक 1 से 9 तक माने गए हैं, जो आपकी जन्म की तारीख से तय होता है। यदि आपका जन्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख में हुआ है तो यही आपका मूलांक होगा। हालांकि अगर तारीख 9 से ज्यादा यानी 10, 11, 31 या अन्य हो तो इसे जोड़कर मूलांक निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 13 तारीख को हुआ है तो 13 के 1 और 3 को जोड़ लें, इसका कुल योग 4 आएगा और यही आपका मूलांक होगा। मूलांक से व्यक्ति के व्यवहार, स्वभाव और गुण दोष की जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं 2020 की। अंक ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष 2020 का कुल योग 4 बनता है, 2020 यानी कि 4। अंक 4 का स्वामी राहु होता है और राहु इस समय अपनी उच्च की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इस समय राहु बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि साल 2020 विशेष रूप से अंक संख्या 4 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम वर्ष 2020 के अंकों पर भी ध्यान दें तो पाएंगे कि इसमें 2 का अंक 2 बार आया है। 2 का अंक चंद्रमा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि यह वर्ष अंक 2 और 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो उनके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2020। जिन व्यक्तियों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है उनका मूलांक 3 होता है। इस अंक के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जो सभी ग्रहों के गुरु हैं। बृहस्पति देव के प्रभाव से ऐसे जातकों का दुनिया में बहुत नाम होता है, लेकिन अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वाले लोगों के लिए वर्ष 2020 अनुकूल नहीं है। इसलिए इस साल आपको काफी संघर्ष करना होगा। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। आपको विशेषकर अपने कार्य क्षेत्र और अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यही 2 ऐसे क्षेत्र होंगे जहां आपको अधिक परेशानियां मिल सकती हैं। इस वर्ष आपको अपना समय निकालना है, इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें, नहीं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज होकर कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी आपके लिए आवश्यक होगा। ऑफिस में अपने आप को किसी भी विवाद से दूर रखना ही आपके लिए हितकर रहेगा।
कार्यस्थल पर किसी से भी झगड़ा मोल ना लें। वर्ष 2020 में परिवार की अशांति आपको मानसिक रूप से परेशान रख सकती है। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगेगी। प्रेम संबंधों के मामले में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि ऐसी संभावना बनेगी कि आपका लव पार्टनर आप पर अपना विश्वास खो दे। इसलिए अपनी लव लाइफ के प्रति लापरवाही ना बरतें और अपने साथी के प्रति जिम्मेदार और ईमानदार रहें। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा और जीवन साथी का सहयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपके साथ होगा। विद्यार्थियों को इस वर्ष अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा और किसी भी प्रकार के अवरोध से बचने का प्रयास करना होगा। किसी भी तरह पढ़ाई में रुकावट न आने दें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो अभी और मेहनत करने की जरूरत है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप कुआं खोदेंगे तो पानी अवश्य निकलेगा, इसलिए मेहनत करते रहें। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपको चर्म रोग और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। आपके लिए सोमवार और गुरुवार का दिन शुभ रहेगा और आपके लिए शुभ तारीख है 3, 12, 21 और 30। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।